अलीगढ़ में प्रतिबंध के बाद भी चोरी छिपे पॉलिथीन बिक रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान भी बेसर साबित हो रहा है। कुछ ही जगह दुकानदार खुद ग्राहकों से आग्रह कर रहे हैं कि वह घर से कपड़े के थैले लेकर ही खरीदारी के लिए निकले। दरअसल केंद्र सरकार ने सिंगल यूज पॉलिथीन के प्रयोग पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भी निर्माण, बिक्री और उपयोग पर अंकुश नहीं लग सका है। हालत यह है कि शहर की प्रत्येक गली मोहल्ले से लेकर ग्रामीण अंचलों तक पॉलिथीन में सामान दिया जा रहा है। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित जो सरकार ने एक पहल करी है, पहल नो डाउट बहुत अच्छी है भाई। इससे हमारा मोदी जी का एक नीति है, एक उद्देश्य है कि हमारे देश को प्लास्टिक फ्री करना है। पहल अच्छी है, लेकिन जब तक इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आता था प्रॉपर वे में, तब तक इस पहल को थोड़ा सा हल्के में रखना चाहिए था। एक बार सब्स्टिट्यूट आ जाए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूट आ जाए जो मार्केट में अवेलेबल हो, एक छोटे जो कंज्यूमर है उसकी जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और काम हो जाए। एक बार सब्स्टिट्यूट मार्केट में आने के बाद आप पूरी सख्ती के साथ इसको तरीके से बंद कर दीजिए, ना करें चालान काटिए, कुछ भी करिए, वो एक सरकारी महकमे के द्वारा जो भी एक्शन लिया जाए वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए ना। अब आप ये देखिए, कोई चीज़ पहले अगर 1 रुपए की थी तो वो बायो में अब वही चीज़ आपकी कम से कम 3 गुने, और मतलब 2 गुने तो है ही है, 3-3 गुने पे भी रेट जा रहे हैं। तो एक व्यापारी तो चलो ठीक है, उसको तो माल मंगाना है और बेचना है, लेकिन जो कंज्यूमर है उसके जेब पर तो बहुत अच्छा खासा बोझ पड़ रहा है। और सरकार अपनी नीतियों के अनुसार, बंद करने के अनुसार छापे मार रही है। हमारे योगी जी ने 2018 से ही बंद करा हुआ है, उत्तर प्रदेश में बैन करा हुआ है, ठीक है। अब आप छोटे दुकानदारों पर छापे मार रहे हैं, उस बेचारा अगर ठेल ढकेल वाला हो गया, फल सब्जी वाला हो गया, वो फल वाला मालूम पड़ा पूरे दिन में ही 1,000-1,500 रुपये कमाता होगा, अब उसकी 2,000 रुपये की रसीद कट गई, वो तो बेचारा भूखा जाएगा ना, उसके घर वाले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गालियाँ ही बकेंगे। तो सब्स्टिट्यूट पहले मार्केट में उपलब्ध कराएँ, उसके बाद सख्ती से इसको लागू करके ऐसे बंद कराएँ। नाली नालियाँ चौक होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पहल बहुत अच्छी है, सब्स्टिट्यूट को लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैन्युफैक्चरिंग बंद करा दो, जो चोरी छुपे भी चल रही हो पूरी सख्ती के साथ मैन्युफैक्चरिंग बंद कराओ। जब माल ही नहीं आएगा तो बिकेगा कहाँ से, सीधा सा फंडा है। मैन्युफैक्चरिंग बंद कराओ, मज़े से अपना कारोबार करो, हर कोई करेगा मैन्युफैक्चरिंग। आपने छापा मारा, दिन में चलो वो बंद हो गया, रात में भी यूनिट चल रही है, बहुत सी जगह चल रही है, माल तो फिर भी मार्केट में चोरी छुपे आ ही जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने पर जोर देना चाहिए ताकि मार्केट में माल ही ना आए, और जब माल ही नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, अपने आप ही स्वतः बंद हो जाएंगी, और जो सपना है प्लास्टिक फ्री इंडिया करने का वो साकार होगा। मैं पूरी जनता के साथ, सभी व्यापारी भाइयों के साथ एक अपील करना चाहता हूँ कि भाई प्लास्टिक को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि नाले नालियाँ चौक होती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कोई हानिकारक है। हम प्लास्टिक का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे भाई, कहीं ना कहीं उसमें केमिकल्स भी होते हैं, वो नुकसानदायक हमारे अपने शरीर को ही हैं। तो हम जितना अवॉइड करेंगे उतना हम लोगों के लिए बेहतर है। घर से कपड़े का थैला लेके जाएं, और अगर कोई दुकानदार आपको पॉलीथीन में सामान देता भी है तो उसे आप अपनी तरफ से एक बार टोकें कि भाई मुझे पॉलीथीन में नहीं चाहिए, मेरा कागज कपड़े का थैला मैं अपने साथ लाया हूँ। जब हम पहल करेंगे तब दूसरा पहल करेगा, अगर हम ही पहल नहीं करेंगे तो कोई भी पहल नहीं करेगा। बेहतर है गवर्नमेंट से, मेरा एक सुझाव गवर्नमेंट के लिए, मेरा सुझाव तो मैं क्या दूंगा खैर, लेकिन गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि सब्स्टिट्यूट पे फोकस करा जाए, कि कम रेटों में एक उचित सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध हो जाए जल्द से जल्द। बाकी गवर्नमेंट तो अपने आप में समझदार हैं और सारे पढ़े लिखे अफसर हैं, जो गवर्नमेंट को सही लगे। मेरा अपना सुझाव यही है कि प्लास्टिक फ्री अगर करना है तो प्लास्टिक फ्री अवॉइड करने के लिए खुद से पहल करनी भी बहुत आवश्यक है। पॉलीथीन ख़त्म नहीं कर सकते आप लोग, लगता है आप ख़त्म कर दोगे, नहीं हो सकता। पॉलीथीन या तो बने इस तरीके की जो पानी के साथ डिजॉल्व हो जाए आसानी से, या फिर पॉलीथीन के लिए ऐसा प्रोसेस भी गवर्नमेंट बनाए कि भाई नालियाँ, पहले हम कह रहे हैं पॉलीथीन का नुकसान क्या है, हम बंद क्यों कर रहे हैं पॉलीथीन, कभी सोचा आपने? पॉलीथीन बंद करने का कारण सिर्फ एक ही है कि बारिश के दिनों में जो नाली नाले चौक हो जाते हैं तो उनको हमें सही रखना है। उसके लिए नाली नालों का जो ऊपर का हिस्सा है जो खुले रहते हैं मुँह उनके, वो बंद करनी है, या उसे महीन जाली से बंद करना है जिसमें पॉलीथीन अंदर ना जा पाए। डेली की सफाई होनी चाहिए, जगह जगह डस्टबिन लगे होने चाहिए इस तरीके के हों कि लोग उसको तोड़ के ना ले जाएं। अगर कैमरे लग सकें तो पॉलीथीन की जगह डस्टबिनों के ऊपर आसपास लगें,
अगर कोई रात या दिन में तोड़ता है तो वो स्केच आना चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, इसके लिए अभियान चलाना चाहिए कि लोग अगर पॉलीथीन यूज करते भी हैं तो उसको या तो कहीं डस्टबिन में डालें या अपने घर पर कहीं भी रखें, वो मतलब सड़क पर चलते हुए ना डालें और नालियों में तो कतई ना डालें। मेरा मानना है ख़त्म नहीं कर सकते आप पॉलीथीन को। अभी जब पॉलीथीन की बात आती है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ख्याल आता है, दूध बिना पॉलीथीन के नहीं आ सकता, बहुत सारे सामान जो हम डेली यूज़ करते हैं FMCG में होते हैं वो क्या बिना पॉलीथीन के आते हैं, पानी की बिसलेरी की बोतल या किसी की हम यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके से प्लास्टिक है। तो मेन लड़ाई प्लास्टिक है और पॉलीथीन टाइप की इसलिए है क्योंकि नाली में अटक जाती है और पानी रुक जाता है। कैसे रोकेंगे दूध की थैली को, कभी सोचा किसी ने? नहीं रुक सकते। सब्जी वाले सब्जी देते हैं, गरीब आदमी होता है, घर में लोग सब्जी लेने जाते हैं, क्या कपड़े के थैले लेके जाएंगे? फिर से कपड़े के थैले नहीं ले जा पाते, तो वो बेचारे पॉलीथीन कम जगह में आ जाती है और उसमें सब्जी लेके दे देते हैं वो, अब सब्जी कैसे आएगी? तो हम बार बार, मेरी बात यही है, हम किसी चीज़ को रोक रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि नालियाँ चौक ना हों, तो उस पर सोचेंगे नाली चौक ना हो, विदेशों में भी तो चलते हैं, विदेशों में पॉलीथीन चलती है, तो वहाँ वो लोग कैसे उसको मैनेज किए हुए हैं उस चीज़ पर ध्यान दें। वहाँ पॉलीथीन बंद नहीं है, वहाँ चलती है, लोगों में जागरूकता है, डस्टबिन में डालते हैं। दूसरी बात, नालियाँ ज़्यादा खुली हुई जगह जगह नहीं होती तो वहाँ तक गिरता नहीं है, पानी की निकासी के लिए बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने बना रखे हैं, शकिंग के लिए उन्होंने हफ्ते में या 15 दिन बाद उन नालियों को चोक होने से पहले बचा देते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं प्रेशर के द्वारा। ऐसे प्रोसेस लाने चाहिए, इससे पॉलीथीन बंद नहीं हो पाएगी, कम कर सकते हो बंद नहीं कर सकते।